सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर 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 सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा 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 के दरबार में सबका खाता है। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र करते हुए भगवान शंकर के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा कंजरी में बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात भाव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा था, कुबेर ने भेजा जरूर पर समझा नहीं पाया। रावण को कहा, क्रोध आ गया। रावण ने उनकी बात सुनी पर समझने को तैयार नहीं, तलवार लेकर दोनों का शीश काट दिया। जो समझाने आए थे उन्हीं को मार दिया। हमारी भी आदत है, कोई अगर समझाता है, ज्ञान देता है, तो हम भी शीश नहीं काटते, उसकी बात काट देते हैं। हमारी भी आदत है। पर कभी विचार करिए, कभी अपने जीवन में इस बात को उतारने का प्रयास करना कि कोई सतगुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगवंत, कोई साधना करने वाला, भजन करने वाला, कोई घर का बुजुर्ग, वयो वृद्ध बड़ा हमको समझाता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझाता है। हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझा रहा है।
अगर वो ज्ञान दे रहा है तो हमको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए ज्ञान दे। समझा नहीं लंका दी, उठाया तलवार, चल दिया कुबेर के उस अलकापुरी में और जाकर इतना उपद्रव मचाया सब को मार गिराया, पुष्पक विमान को छुड़ा लिया, कुबेर को देवताओं ने ले जाकर एक स्थान पर छुपा दिया जहां उनका उपचार हुआ, वो ठीक हो गए। अब पुष्पक विमान पर बैठकर लंका अधिपति रावण अपने मन के अनुसार चलने वाले, मन की गति से बराबर से भी तीव्र चलने वाले पुष्पक विमान पर बैठकर घूमने चल दिया। अब देखिए शिव पुराण क्या कह रहा है। अब चला विमान पर जब वो बैठा पुष्पक विमान पर जब वो विराजमान हुआ पुष्पक विमान पर जब वो बैठा तो कुबेर का सिंहासन था, कुबेर की गादी थी। उस गादी पर बैठने के बाद उसकी बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं विचलित हुई, कहीं ना कहीं उसमें विचलितता आई। बैठा वो क्यों कहते हैं तीर्थ में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं सतगुरु के चरणारविंद में बैठो, क्यों कहते हैं कथा में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं जहां संतों ने तप करा हो, साधुओं ने तप करा हो, सन्यासियों ने तप करा हो, कहीं तपस्या साधना करी हो उस स्थान पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं कहीं धुपाड़ा जल रहा हो, हजारों वर्ष का सालों निकल गए उस धुनी को रमते रमते संतों को उस धुनी के पास जाकर बैठो, क्यों कहा जाता उस स्थान पर बैठने का फल कुछ अधिक प्राप्त हो जाता। जैसे समझो एक बस का ड्राइवर चाय पीने चला गया, काय का ड्राइवर बोलो बोलो जम के बोलो जरा, अच्छा और जम के बोलो, बस का ड्राइवर गया क्या पीने, चाय पीने, और कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया और उसने स्टीयरिंग पकड़कर यूं यूं हिला रहा था, इतने में तुम हाथ पहुंच गए, अब तुम्हें थोड़ी ना मालूम कि ये बस का ड्राइवर नहीं है, तुमने कहा क्यों साहब ये बस कहां जा रही है, ड्राइवर साहब और ड्राइवर साहब क्या ये बस कंजरी जा रही है क्या, ए ड्राइवर साहब। अब वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग पकड़ा था वो और जैसा वो दूल्हा नहीं होता शादी वाला कितना करता है, बस वैसा वो बस का ड्राइवर एकदम अकड़ गया, देखो मेरे को बस भी चलाना नहीं आती, केवल ड्राइवर की सीट पर बैठा और लोग कह रहे हैं क्यों ड्राइवर साहब बस कहां जा रही है, कंजरी जा रही क्या, पावागढ़ जा रही क्या, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई केवल सीट पर बैठने से। अब वो विचार कर रहा है कि सीट दूसरे की है, बस दूसरे की है, मैं तो केवल सीट पर थोड़ी देर बैठा हूं, वह चाय पीने गया, उतनी देर में मेरी इतनी इज्जत हो गई, अगर मैं बस चलाना सीख जाता तो मेरी कितनी इज्जत हो जाती। उसी तरह हमारा शास्त्र का है, उसी तरह हमारा शास्त्र का है, जब हम जरा सी देर किसी मंदिर में जाकर बैठते हैं तो लोग कहने लगते हैं क्यों पंडित जी कैसे हो, अब केवल तिलक लगाया, केवल मंदिर में बैठा, केवल मंदिर में, तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, अभी तुम जाते जाते लोग कह देंगे श्री शिवाय नमस्ते जय सीताराम जी की आवाज पकड़ रहा है भाई, जय सीताराम जी की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुरंत करने लगे तुरंत। फिर कोई से बात होगी तो कह देंगे साहब वो तो भगवान की कथा में रमी रहती है,
उसको तो कथा इतनी अच्छी लगती है कि कहीं पर भी हो ना वो तोड़ के चली जाए। तो कोई कहेगा वो तो संतन हो गई रे, भगवान तो हो गई, वो तो सन्यासन हो गई, वो तो साधु हो गई। अब पद बड़ा कि नहीं बड़ा, भले तुम कथा सुनने आए, भले तुम्हें वो होता ना, वो कहे ना, एक व्यक्ति बार बार घड़ी देख रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, तो एक गुरु जी ने पूछ लिया कि तू घड़ी देख रहा है, तेरी घड़ी में क्या समय हो रहा है? 7:30 बज रही है। गुरु जी बोले बताओ, मेरी घड़ी में तो 8 बज रही है और तेरी घड़ी में 7:30 बज रही है। तेरी घड़ी किससे मिली है? गुरु जी, मैंने रेडियो से मिलाई। अच्छा, मां से मिली। अब फिर उन्होंने दूसरे से पूछा, तेरी घड़ी में देख 9 बज रही है, तूने किससे मिली, कहां से मिली? कहीं नहीं, ससुराल से मिली। गुरु जी बोले, ये ससुराल से तो मिली है, पर मिली किससे है ये तो मालूम होना चाहिए, कि रेडियो से मिली, कि टेलीविजन से मिली, कि काय से मिली? तो कि गुरु जी कहीं से नहीं मिली, ये मेरे ससुराल से मिली, हमेशा पीछे ही चलती है, हमेशा पीछे चलती है। ससुराल की जो चीज मिले, तुम ध्यान रखना इस चीज के लिए, भले अलमारी हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मिक्सर हो, मिक्सर का खटका चालू करके छोड़ दो, थोड़ी देर बाद चलेगा, फिर चलेगा, एकदम मिक्सर नहीं उठता। उसी तरह सास को भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बहू पर एकदम प्रेशर नहीं देना, एकदम प्रेशर दिया तो ये नहीं चलेगा। ये ससुराल से मिली है तो धीरे से चल, इसको धीरे से संभाल कर चलो बेटा। घर अपना है, परिवार अपना है, रोज इतनी रोटी बनाकर मत फेंका कर, रोज इतनी सब्जी मत फेंका कर, धीरे धीरे उसको चलाओगे तो वो चल जाएगी। और तुमने एकदम टूट पड़ी ने एकदम बोल दिया, क्या तेरे पिताजी के घर से लाई है जो इतना फेंक रही है? फिर तो पास में पावागढ़ वाली माता नजदीक में, इतनी देर। हाँ तो लोग कंजरी वालों और झाबुआ वालों, तुम इतनी देर तो करते ही नहीं हो, तुरंत प्रकट हो गई, इतनी देर में तो प्रगटा, तुरती देर लगेगा, उतनी देर का लगे। महाराज फिर कुछ नहीं, अम्बे तुम